हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ गई हूँ वीडियो आप लोगों के लिए एक आई से रिलेटेड, यानी कि आज मैं एक आईलाइनर की वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ जेल आईलाइनर के बारे में। इसकी एमआरपी तो 500 के अप्रोक्स है, लेकिन ये मुझे थोड़ा कम में मिल गई है। तो कैसे मिली, क्या है, किस तरह का जेल आईलाइनर है, आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को पहले कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मेरी आपसे मिस ना हो सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज़्यादा पसंद आए तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आईलाइनर है ये इमेजिक प्रोफेशनल कॉस्मेटिक के तरफ से है। E01 ब्लैक कलर है ये मेरे पास, और ये जेल आईलाइनर वाटरप्रूफ के साथ है। इसका जो वेट है यानी कि कितना है, तो 4 ग्राम है इसके अंदर। इसका MRP 525 रुपये है, लेकिन ये 300 कुछ रुपये में ही मुझे मिल गया, मतलब 350 के लगभग में ही। और मैं इसको ऑफलाइन ली हूँ, ऑनलाइन नहीं ली हूँ। और इसका मेन जो नाम है वो है इमेजिक जेल आईलाइनर, इमेजिक जेल लाइनर भी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसका प्राइस है, यहाँ देखिए इसका प्राइस यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे इसका इंग्रेडिएंट्स भी लिखा हुआ है, साथ ही इसको यूज़ कैसे करना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। मैं इसको फर्स्ट टाइम खुद ही आप लोगों के सामने ही ओपन कर रही हूँ कि ये मुझे किस तरह से मिला है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से दिया हुआ है, और इसके यहाँ पे आप देखिए कि जेल लाइनर है, और साथ में यहाँ पे है ना, सो ये ब्रश दिया हुआ है। दो अलग अलग तरह के ब्रश हैं। एक तो आप देख सकते हैं, एक बहुत ही पतली वाली ब्रश है, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही पतली वाली ब्रश है, और दूसरी जो है यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ी है। इससे क्या है ना कि इससे आप आईब्रो को भी फिल कर सकते हैं, जैसे कि बहुत अच्छा आपको अगर शेप देना है ना, तो थोड़ा सा इससे भी आप इस तरह से कर करके और शेप दे सकते हैं। और दूसरा, इसे काजल भी बहुत अच्छा लगता है, और ये इस तरह से सीधा भी हो जाता है। देखिए, तो पहले भी मैं एक जेल आईलाइनर की वीडियो ला चुकी हूँ, लेकिन वो मैंने 2 साल पहले लाई थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी, हाल्फ एंड हाल्फ कंपनी की थी। और यहाँ पे इस बार मैं इमेजिक कंपनी की ली हूँ, और इसका ब्रश भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये इस तरह से ब्रश है, देखिए इसको फोल्ड करके ऐसे रखा जा सकता है। तो इसको सबसे पहले तो मैं यहाँ रखूँगी, उसके बाद आपको ये आईलाइनर दिखाऊँगी, जेल लाइनर। तो ये इस तरह का है, 4 ग्राम का है। ये देखिए, इसके अंदर जो भरा हुआ है वो 4 ग्राम का है। यहाँ पर भी लिखा हुआ मिल जाता है, देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इमेजिक फॉर प्रोफेशनल कॉस्मेटिक जेल लाइनर वाटरप्रूफ E01 ब्लैक, और 4 ग्राम का ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए ब्लैक कलर का है ये। यहाँ पर भी काफ़ी सुंदर पैकेजिंग है, क्योंकि इसका MRP आपको मैं दिखाई कि 525 रुपये है। तो चलिए, 525 रुपये है तो इसकी क्वालिटी भी उसके अनुसार होगी। तो पहले से ही ये देखिए कि लुढ़का हुआ है इस तरह से, जैसे कि इस तरह से हुआ हो तो इस तरह से ये इधर फैल गया है। तो देख सकते हैं कि इस तरह से बोतल में है, प्लास्टिक की है, सीसी की नहीं है, तो इस तरह से देख सकते हैं। तो ये ब्रश मैं ले ली रही हूँ, तो मैं यहाँ इस ब्रश से आज लाइनर लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ, देखिए बहुत ही कम क्वांटिटी में ले रही हूँ। इस तरह से, आपको मैं पास से दिखाती हूँ। काफ़ी पिगमेंटेशन है इस आईलाइनर में, मतलब यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा स्मूथ भी चल रहा है। और इसमें लिखा हुआ है कि आईलाइनर बहुत ही जल्दी ड्राई भी हो जाएगा। इसको बहुत ही अच्छे से लगाना है, इधर इधर भी लगाना है, बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि ये आधा अधूरा सा लगा हुआ है। आईज लिड के बहुत करीब लगाना है अच्छे से, देखिए। और यहाँ पे देखिए, ऐसे इस तरह से कॉर्नर बना हुआ है ना, तो यहाँ पे आप रफ कर भी इसका एक छोटा सा विंग भी निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिल रहा होगा परछाई, मैं और थोड़ा सा लेती हूँ,
देखिए और इस तरह से तो ये देखिए बहुत ही इजी वे में आईलाइनर लग चुका है। और अब मैं दूसरे आँखों में लगाऊंगी। ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आप इस टाइप से आईलाइनर ले सकते हो। और इसमें एक ये भी फायदा है ना आपको कि ब्रश मिलता है, और ब्रश की मदद से आप काफ़ी धीरे धीरे और आराम से आईलाइनर भी लगा लोगे, आईने में भी देख लोगे। और आपका खासकर जब भी नए नए लोग आईलाइनर लगाते हैं तो यहाँ पे लग जाता है, जैसे ही आप ऊपर किए आईना में देखे वैसे ही लग जाता है। तो इसके साथ वैसा कुछ भी नहीं है। अब मैं छोटा सा विंग्स निकालूंगी, जैसा कि इस टाइप से ब्रश से मैं बोली कि देखिए इस तरह से है तिरछा लाइन, तो इसको यहाँ रखना है केवल। देखिए लास्ट लगा करके देखिए इस तरह से एक मार्क मिल जाता है यहाँ लगाने के लिए। फिर से मैं रख के दिखा रही हूँ, देखिए थोड़ा प्रेस करके लगाइए और इस तरह से फिर एक लाइन खींच लूँगी मैं इसको यहाँ ऊपर जोड़ दूँगी, और दोनों को थोड़ा सा मिला लूँगी कि किस तरह से है। तो दोनों तरफ देखिए सेम टू सेम आईलाइनर लग चुका है। और यहाँ पे आप चाहे तो देखिए इस ब्रश से मुझे ये अच्छा लगता है ना कि ये चीज़ निकालने में काफ़ी आसानी रहती है। देखिए यहाँ इस तरह से कॉर्नर जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, देखिए इस तरह से आप और इसको इस तरह से ब्रश कर लेना है। देखिए तो इस तरह से आपकी आईज हो जाती है। यहाँ पर भी यानी ये जो ब्रश है ना इस तरह से इसको यहाँ इस तरह से रखेंगे। तो जिन लोगों को जेल आईलाइनर नहीं लगाने आता है तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करें। और आपको काफ़ी सारे अलग अलग कंपनी के और अलग अलग रेंज में भी मिल जाएंगे, इससे भी बहुत कम के मिल जाता है आईलाइनर, जेल आईलाइनर। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा है ये। तो मैं यहाँ पे देखिए आईलाइनर लगा चुकी हूँ। आप चाहे तो इसको और विंग को लंबा कर सकते हैं। थोड़ा सा और लूंगी, तो देख सकते हैं कि आईलाइनर बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुंदर भी लग रहा है। मैं यहाँ अपने आईना में खुद से दूर से देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? हाँ थोड़ी सी मेरी थ्रेडिंग बढ़ी हुई है, मैं अभी बनवाई नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से निकालने के लिए कॉर्नर भी मैं आप लोगों को सिखा दी हूँ, साथ ही विंग आप कैसे बनाएं। तो ये वाला जो ब्रश होता है ना पहले भी मेरे पास था, तो इसे काफ़ी अच्छा आईलाइनर लगा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक जेल आईलाइनर के साथ ये ब्रश फ्री में मिल जाता है। आपको काफ़ी कम रेंज में भी आपको जेल आईलाइनर मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन भी, जिसमें आपको दो दो ब्रश भी मिलते हैं। साथ ही ये तो मुझे ब्लैक कलर ही केवल मिला है, आपको ब्लू कलर भी मिल सकता है, आपको ब्राउन कलर भी मिल सकता है। तो ब्राउन क्या होता है ना कि आईब्रो आप फिल कर सकते हो। देखिए इससे भी आईब्रो फिल हो सकता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में इसमें होना चाहिए प्रोडक्ट। और यहाँ से आपको रख करके इस तरह से ऊपर की तरफ करिएगा तो आपका आईब्रो बहुत ही अच्छे से फिल भी हो जाता है।
तो मेरे पास पहले भी एक जेल आईलाइनर था, तो उससे भी मैं आईब्रो को अच्छे से फील कर लेती थी। आपका एक यहाँ से यहाँ तक ना बहुत ही अच्छा लाइन बन जाता है, बहुत ही अच्छा, और आपकी आईब्रोज भी बहुत अच्छी लगती है। मेरी आईब्रो भी खुद ही घनी है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से तो नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन देखिए इस तरह से आप आईब्रो को भी शेप बहुत अच्छा से दे सकते हैं। जैसा कि मैं बताया कि इसमें ब्राउन कलर भी मिलता है, तो ब्राउन कलर से आप आईब्रो को फिल कर सकती हैं। तो एक और बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब भी आप जेल आईलाइनर लें, तो इसकी जो ब्रश अगर आप एक बार यूज़ करते हैं, तो ये ब्रश में जब ये लाइनर लगता है, क्रीम लगता है इसका ब्लैक, तो ये पूरा इस तरह से ना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लगाना चाहोगे ना, तो इससे अच्छे से लगता नहीं है। तो ये आपको क्या करना होगा, ये जो ब्रश है इसको आपको बहुत ही अच्छे से साफ़ करना होगा। तो साफ़ करने का तरीका ये नहीं है कि आप पानी से साफ़ कर दो, साबुन से साफ़ कर दो, फेस वॉश से कर दो, या फिर कोई भी हैंड वॉश से कर दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको आपको क्लींजिंग मिल्क से या फिर जो मेकअप रिमूवर होता है उससे ही आपको क्लीन करना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप केवल क्लींजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हैं इसको मतलब साफ़ करने के लिए। इसके अलावा आपका किसी भी चीज़ से, गर्म पानी से भी आपका साफ़ नहीं होगा। तो जब भी आप यूज़ करें इसको क्लींजिंग मिल्क से साफ़ करें, उसके बाद उसको अच्छे से पोंछ लें, और फिर उसके बाद आपका ये ब्रश बहुत अच्छा हल्का हो जाएगा। जैसे कि ये है, देखिए इसको मैं यूज़ नहीं की, तो इसका ब्रश काफ़ी अच्छा है। इसको यूज़ कर ली हूँ तो ये एक दूसरे में चिपक गया है। तो इस तरह से आपको ब्रश का ख्याल रखना है। जैसे आपने यूज़ किया आईलाइनर, उसके बाद इसको जब भी आपको यूज़ करना है तब आप या तो इसको साफ़ करें, या अभी जैसे आपने यूज़ कर लिया, मैं आईलाइनर लगा ली तो मैं इसको साफ़ कर दूंगी और उसके बाद ही मैं इसको डब्बे में रखूंगी, ताकि ये नेक्स्ट टाइम के लिए जब मुझे कहीं जाना हो तो आप जल्दी से बस ऐसे निकालें और बस लगा लें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक करना है, ज़्यादा पसंद आती है तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।